हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने से यूट्यूब चैनल पर। तो जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। हरियाणा के इस गांव में हुआ है कोरोना अटैक। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, अभी भी गांव में मचा है हड़कंप, जानेंगे इस वीडियो में। तो जी हाँ, इस वीडियो को लगातार शेयर करें ताकि ये खबर सबके पास पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी हाँ, देख सकते हैं हिसार शहर के साथ गांव में भी कोरोना का अटैक बढ़ गया है। अब वहीं कावड़ गांव में मिले हैं 41 कोरोना संक्रमित मरीज़। तो यहां पर एक बार फिर से गांव को किया गया है सील। तो जी हाँ, देख सकते हैं बड़ी खबर आ रही है, हिसार के ज़िले के गांव में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं जारी रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कई गाँवों में संक्रमण के कई मामले सामने आए हैं। बात करेंगे गांव ढाड़ी, कुम्हारान और खुर्द में 11 कोरोना संक्रमित मरीज़ मिले हैं। वहीं बात करें गावड़ गांव में कोरोना के यहां पर 41 केस सामने मिले हैं। वहीं इस गांव में हुआ है कोरोना विस्फोट। और आपको बता दें, अग्रोहा और आदमपुर में कोरोना संक्रमण के 100 से अधिक मामले मिल चुके हैं। वहीं रिपोर्ट में ढाड़ी, कुम्हारान में 8 संक्रमित मरीज़ मिले हैं। इसके साथ ही गांव पाली में 6, गांव हरता में 4, गांव बाड़ा जाटन में 3, मंगाली जाटन में 3, मंगाली सुरतिया में 2 और नलवा में 3, गांव कवारी में 4, गांव धमाने में 5 संक्रमित मरीज़ मिले हैं। जिला प्रशासन की ओर से हाल ही में गांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए गाँव में टीकरी पहरा लगाने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग की तरफ से गांव में सैंपलिंग भी बढ़ाई गई है। बता दें कि ज़िले में वहीं सोमवार को संक्रमण के 1184 नए केस सामने मिले हैं। तो यहां पर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, एक बार फिर से गांवों में कोरोना का कहर जारी है। तो इस वीडियो में इतनी थी जानकारी, धन्यवाद।